दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मंधानिया कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील मंधानिया जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी वर्ल्ड कैंसर डे शुरू हुआ, ऐसे में अब जबकि देखा गया कि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर आ गया, उसके वजह से लोगों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कम होते जा रहा है। yes. और दिनों दिन जो प्रदूषण से लोग प्रदूषण के इसमें आ रहे हैं, घेरे में आते जा रहे हैं, और देखा जाए जा रहा है तो उनकी लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो अब मुझे बताइए, जो कैंसर का प्रमाण भी बढ़ते जा रहा दिन पे दिन, तो आपका क्या एनालिसिस, क्या आकलन है, उस बारे में बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम 4 जो फरवरी है ये वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से मनाया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि कैंसर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाए, कैंसर के जो डर है, जो मिथ्या है, उसको दूर करे और लोगों को प्रेरित करे कि कैंसर का ट्रीटमेंट ले और कैंसर से डरे नहीं। अब रही बात कैंसर के प्रमाण के बढ़ने की और लॉकडाउन के बारे में, तो आप देखेंगे कि मुझे कैंसर में काम करते हुए 17 साल हो गए, ठीक है, नागपुर में मुझे 12 साल हो गए, तो मैंने जो देखा है पिछले 12 सालों में नागपुर में और ओवरऑल 17 सालों में काफ़ी चेंज आया है कैंसर के पैटर्न्स में, कैंसर के इंसिडेंस में। मुझे कैंसर के जो बढ़ोतरी है, एक तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी अचंभे वाली चीज़ें हो रही है, जैसे कि यंग लोगों में, कम उम्र के लोगों में होना शुरू हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर पहले 50-60 साल की लेडीज़ में, अभी आप देखोगे कि 22 साल, 23 साल, 28 साल की बच्चियों को भी ब्रेस्ट कैंसर में देखने में आ रहा है। यंग रेक्टल कैंसर, मुझे आंत के कैंसर, स्टमक का कैंसर, ये यंग लोगों में देखने में आ रहा है, जो कि बहुत ही डरावना और बहुत ही सोच चिंतादायक चीज़ है। अब दूसरा प्रश्न आपका ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें भी ऐसा लगा कि हमने भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चेंज हुआ है हमारे में कि ये या वातावरण में कि जिसके कारण ऐसे कैंसर देखने मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, इतने यंग लोगों में देखने मिल रहे हैं और इतने अलग अलग जगह पे देखने मिल रहे, जो सोचा नहीं जाता था। तो मुझे जो मैंने विश्लेषण किया, काफ़ी मैंने जो रिसर्च किया, ऐसे मुझे एक दो चीज़ें बहुत समझ में आई। पहली चीज़ है कि मिलावट, आप अगर देखोगे कि दुनिया में कुछ ही देश होंगे जिसमें हमारा हम है, जिसमें दूध को यूरिया से बना हुआ दूध मिलता है, पनीर देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ मिलता है, सब्जियों में भी आप देखोगे तो कलर करने के लिए हरी दिखना चाहिए मटर, इसलिए उसको हरे सब पानी में से निकालते हैं, भिंडियों को हरे पानी में से निकालते हैं। अब ये जो कलर यूज़ हो रहे हैं, ये जो यूज़ हो रही है, दिस आर ऑल इंडस्ट्रियल कलर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा कैंसरस है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मुझे समझ में आई कि फर्टिलाइज़र, आप देखोगे कि फर्टिलाइज़र और कैंसर के एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने में आ रहा है। आप देखोगे पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, और पंजाब के उस एरिया में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जिसमें कि बताया गया कि कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो जो हम नागपुर में देखते हैं, हमारा काफ़ी रेफरल मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में भी होशंगाबाद, गाडरबारा, बनखेड़ी, पेपरिया, इस एरिया में गेहूं की काफ़ी फसल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण पे वहाँ से पेशेंट आते हैं, और वहाँ पे छिड़काव भी बहुत बड़े मात्रा पे होता है। तो ये एक सेकंड चीज़ हो सकती है कि ये हो। तीसरा चीज़ है कि हाइजीन, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, ये सब बाद में, ये पहले भी थे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, पर ये नई चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा कि इसके प्रति जागरूकता लाए और हो सके तो इसको रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की भी मदद करें। सर, आप क्या कहोगे कि आमतौर पे ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको थर्ड फोर स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट होता है, चाहे वो ओरल कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, और सेकंड थिंग देखा गया है कि अब जब से कोरोना का जो प्रादुर्भाव बढ़ा था, उसमें उनके ब्लड में प्लेटलेट्स भी कमी होती थी, और देखा जाए तो ये ब्लड से रिलेटेड भी कैंसर काफी बढ़ चुका है प्रमाण, इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है, क्या गाइडेंस है? जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर के बारे में आपको जो बोलना है, हमारे देश का और जो वेस्टर्न का जो डेटा है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप यूएस या यूरोप में देखोगे तो जो कैंसर के एडवांस स्टेजेस में आने की संभावना थोड़ी कम होती है। हमारे देश में जनरली, एक उदाहरण दूंगा, ब्रेस्ट कैंसर 50% से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही मिलते हैं हमारे यहाँ। ये ऐसा क्यों? इसका मेन कारण है कि जब बीमारी का, एक तो हमारे यहाँ पर कोई अवेयरनेस नहीं है, सेकंड कारण है कि हमारे कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं, जैसे कि यूएस, यूके या अच्छे समृद्ध कंट्रीज में मैमोग्राफी, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये काफ़ी चीज़ होती है। तीसरा, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जिसके कारण गवर्नमेंट उस पर ये चीज़ों पे फोकस कर सकती है। और चौथा जो हमारे देश के लिए खासियत है, वो है मिथ्याएँ।
इसमें एक इंग्लिश में कहावत है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिहेव लाइक एक्सपर्ट्स, हमारे दोस्त मित्र मंडली सब एक्सपर्ट बन जाते हैं कैंसर के। तो जैसी एक गांठ पता चलती है स्तन में तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, तो दूसरा आदमी बोलता है नहीं वो बायोप्सी करेगा, कैंसर को छेड़ेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो उस कारण से वो काफ़ी समय, 2-4 महीने तो मैंने देखा है कि वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा में निकल जाते, और जब तक कि कैंसर पहले स्टेज से चौथे स्टेज या तीसरे स्टेज तक नहीं होता वो आते ही नहीं है डॉक्टर के पास। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है पहले स्टेज से तीसरे स्टेज के बीच का, ये वेस्ट हो जाता है, और उसके कारण ही हमने देखा है कि कैंसर का एडवांस स्टेज में काफ़ी समय बाद आता है हमारे पास। और आप इसका एक कैंसर का एक डायरेक्ट रूल है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्योर कम होगा। तो हमको क्योर बढ़ाना है तो हमको अर्ली स्टेज पे ही पकड़ना पड़ेगा उसको। देखा गया है कि एक लोगों में एक अवेयरनेस भी काफ़ी है कैंसर के प्रति, और बीच बीच में पूरे डॉक्टर्स फैटर्निटी ने भी काफ़ी कैंपेन चला है, स्ट्रीट प्ले हो चाहे कैंसर वीक की तरह हो, हर तरह से लोगों को अवेयरनेस किया। उसके बावजूद भी आज भी देखा जा रहा है कि लोगों में जो स्मोकिंग की जो है धूम्रपान या प्रदूषण का ध्यान न रखते हुए, प्रदूषण में उनका रहन सहन बोलो या फर्टिलाइज्ड फूड्स खाना का सेवन हो, तो ऐसी ये चीजों में लोगों में आज भी अवेयरनेस नहीं आया। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए कि स्मोकिंग के बारे में अगर आप बोलते हैं तो हमारा स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत कम है, हमारा मेजर इंसिडेंस है नॉन स्मोकिंग टोबैको। नॉन स्मोकिंग का मतलब होता खर्रा पान चूने जो या खैनी, इसके कारण इसीलिए हमारे जो देश में लंग कैंसर कॉमन नहीं है, हमारे देश में कॉमन कैंसर है मुख का कैंसर, क्योंकि ये सब चीज़ें खर्रे वर्रे सब मुंह में रखा जाता है। अब रही बात दूसरी प्रदूषण की, प्रदूषण के लिए तो यह है कि आज देखोगे कि काफ़ी मास्क यूज़ में आ रहा है, कोई दूसरे कारण से क्यों ना हो, पर डेफिनेटली आप देखोगे इसके कारण लंग के जो इन्फेक्शन है COPDs है उसमें डेफिनेटली कमी आई है, ट्यूबरक्लोसिस के इंसिडेंस में भी कमी आई है। ये तो समय बताएगा अगले 1-2 साल में कि क्या इसका फ़र्क पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनचर्या, खाने पीने की चीज़ें, स्वस्थ डाइट के लिए अपना जो 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 योगदान रहना चाहिए, और ऑर्गेनिक डाइट के बारे में आप खुद को सचेत होना पड़ेगा। आप देखोगे पिछले 50 साल पहले या 30 साल पहले ये फर्टिलाइज़र वगैरह चलन नहीं था, इतना फर्टिलाइज़र यूज़ में भी नहीं आता था, तो उस समय ये जो इंसिडेंस थे ये काफ़ी कम थे, स्वस्थ खाते थे, स्वच्छ खाते थे और ताज़ा खाते थे। अभी टेन फूड जंक फूड्स इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि हमें आ जाके हमारे दादा दादियों ने जो किया था, जो खाया था और जो व्यवहार और जो दिनचर्या की थी वो हमने करनी चाहिए। एग्जांपल, वो बहुत सुबह उठते थे 5 बजे, जल्दी 8 बजे से पहले सोते थे, सूर्यास्त से पहले खाना खाते थे। तो ये आज इस पे साइंस बोलता है कि ये सही था, क्यों सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं खाने से एक एक कीटो डाइट जैसा प्रोग्राम हो जाता है, जनरली 16-16 आवर्स का फास्टिंग, तो उसके कारण बॉडी में पचने को समय मिलता है, फैट मोबिलाइज होता है, एनर्जी यूज होती है, लठ्ठपना जो मोटापा है वो कम होता है, शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। तो ये लाइफस्टाइल है, और हमारे पास ये जो लाइफस्टाइल के जो पुरावा है 4,500 सालों से है, तो वी आर द विश्व गुरुज फॉर दिस, तो वी शुड अडॉप्ट अवर ओन। हमारे जो 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 पूर्वजों ने जो दिया था दैट वाज द बेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको प्रचलित करना और उसको सामने लाना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुशील मांदनिया, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, और पिछले 17 सालों से कैंसर में काम कर रहा हूँ, और लास्ट 12 सालों से मांदनिया कैंसर हॉस्पिटल का चीफ डायरेक्टर हूँ। लास्ट 12 सालों में मैंने देखा है कि कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पता चली है, और हमारे नागपुर के और MP के बेल्ट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली जो कि किताबों में कहीं नहीं है। पर लास्ट 1 साल में देखा गया कि ये जो कोरोना के कारण काफ़ी कुछ एप्स बेस्ड ट्रीटमेंट होती है और या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉलोअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर अगर आप हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसा जटिल बीमारी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है, बीमारी, पेशेंट, कंडीशन, जनरल एग्जामिनेशन और सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखने के बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और स्टेजिंग होती है। तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर पर्सनल एग्जामिनेशन, तो पेशेंट को एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है, अगर संभव हो सके तो एक्सपर्ट से ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में भी काफ़ी क्वैक्स है, काफ़ी लोग हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट देते हैं, पर ये इतना डिफ़िकल्ट और इतना एडवांस बीमारी है, इसमें इतना एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है कि क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा महत्व आ गया है इसमें। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सही डॉक्टर के पास सही समय पर जाए, और सही स्टेज पर अगर इसका इलाज होता है तो ये डेफिनेटली 100% क्यूरेबल रहेगा।